आज विधानसभा आगत हो 2021-22 आर्थिक वर्ष पर राज्य बजेट 2020-21 आर्थिक वर्षर पूर्णांग बजेट को विधानसभा आगत करेंगे अर्थमंत्री निरंजन पजारे। कोरोना महामारी जो क्षतिग्रस्त होर्ष 2020 अर्थनीति तेणु यह बजेट किभली हेबो सेने नाना कल्पना जल्पना प्रकाश पाई शासक दल यह एक लोकाभिमुखी बजेट हेबो बोली दृढ़ोक्ति प्रकाश करथिबा बेले कोविड समय बजेट्रे स्वास्थ्य और कर्म निजुक्ति उपरे गुरुत्व दिया दरकार बोले मत रखिछन्ति विरोधी। कोरोना राज्यर स्वास्थ्य भित्तिभूमिर विकल चित्र को सामना को आनी 9 तारीख में मंत्री परिषद बैठक में चिठा बजेट को अनुमोदन मिलता 2020-21 आर्थिक वर्ष में प्राय 1,50,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करा मात्र बजेट अनुमोदन पूर्व राज्य को कोरोना ग्रास कर राज्य अर्थनीति और विकास उपरे कोरोना एभली प्रभाव पकाइला जे विकास ठप हो जाता। तेज संपर्कित तो अधिक सूचना पाई आम सहित तो फोन लाइन जोड़ना प्रतिनिधि दिव्य ज्योति महांती। दिव्य आज आगत हेब 2021-22 आर्थिक वर्षर राज्य बजेट या कि देखुंत देखो विस्मय निश्चित भाव सरकार आगे जेहेतु कई वर्ष कोरोना जो क्षतिग्रस्त हो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से दृष्टिकोण सरकार सब बड़ चैलेंज सृष्टि बर्तमान बजेट और साधारण लोक एक्सपेक्टेशन बहुत रही है बजेट को नहीं आप देखते सरकार जो सब चैलेंज को बजेट सामना कर रही पुरी कोणार्क लिंगराज और समलेश्वरी मंदिर जो अर्थ व्यवहार कर सरकार लक्ष्य रखी सरकार गोटे बड़ चैलेंज होगी। निर्वाचन पूर्व विशेषकर आप देखिए 2019 निर्वाचन पूर्व सरकार अनेक गुड़े फ्लैगशिप योजना सब आनी विशेषकर आप देखिए कालिया हो मिशन शक्ति हो कि विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना हो आम ग्राम विकास योजना अनेक अणा जाता तो निश्चित सरकार गोटे बड़ चैलेंज हम कि भाव में चलित बजेट योजना को प्राधान्य दिया नुआ योजना सरकार आने कारण जेहेतु आगक पंचायत और पौर निर्वाचन रही दृष्टिकोण आशा करा जो सरकार हे तो कि योजना आनीपारती विशेषकर सहर और ग्रामांचल भित्ति आप देखिए गत वर्ष अपेक्षा सरकार जो बजेट रे प्राय आहरी 30,000-25,000 पाखापाखी लोन करेंगे लोन बर्डन राज्यवासी प्राय 1,37,000 कोटी टंका छुई आकलन कराई जो लोन बर्डन को सरकार कि भाव में परिचालना करेंगे सरकार गोटे बड़ चैलेंज हम कि आप देखिए एक क्षेत्र में राज्य सरकार जो निजस्व राजस्व आय बेस कमिवार लगी चिंता प्रकट करजेट मेकअप हो जो राज्य सरकार जो पेंशन एवं दरमा बाबद को जो खर्च ए राज्य बजेट सीमित अर्थात राज्य जो निजस्व आय सीमित रही जा जो आकलन कराऊँ सरकार आगक बढ़ाए बाहरी राज्यवासी जो जनमंगलकारी कार्य रही है से अर्थ खर्च कर दिग्वे निश्चित भाव सरकार गोटे चैलेंज रहा तो यार भीतर आप देखिए साधारण लोक एक्सपेक्टेशन जो रही सब बड़ एक्सपेक्टेशन रही पेंशन स्कीम को यूनिवर्सल करा जाए समस्त को यह सुविधा सुजोग कि जगह दिजाव तो सरकार जो सुनिश्चित बासस्थान प्रतिश्रुति 2019 सुधा समस्त मुंड पक्का घर जो प्रतिश्रुति बर्तमान सुधा पूरण कि चलित आर्थिक वर्ष पक्का घर पर सरकार कि अर्थर व्यवहार करते अर्थ व्यवहार करापुर समस्त नजर रही अन्यपटे विशेषकर आप देखिए कोरोना रो जो स्थिति राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था विकल चित्र सामना आ दृष्टिकोण सरकार स्वास्थ्य विभाग कौन सब कौन क्यों क्यों पदक्षेप नौकर राज्यवासी नजर रही अन्यपटे 75 लाख चाषी सरकार कालिया योजना जगह दे प्रतिश्रुति जो प्रतिश्रुति कि पूरण कर सरकार समस्त नजर रही विशेषकर निरंजन पूजारी जो बजेट पेड़ रही समस्त नजर रही है। अन्यपटे कृषि विकास लगे जलसेचन क्षमता कि वृद्धि हो 40% जो जमी बर्तमान जलसेचन आगे बढ़ा विशेषकर एथिलागि अधिक केनाल और बैरेज कि निर्माण हो दिग्वे सरकार चिंता करने दरकार और राज्य नजर रही देखिए जल संपद परिचालना क्षेत्र में 60 वर्ष अधिक पुराना हीराकूद जल भंडार मरामती तार जलधारण क्षमता विषय में सरकार को चिंता करने आवश्यक रही है। सरकार जो पूर्व महानदी में 7 टी बारेज और शाखा नदी में 22 टी क्षुद्र बारेज निर्माण करने घोषणा करते विशेषकर आगे पानी कि सरकार आगे भी बजेट कौन व्यवहार करते लोक मित्र एक्सपेक्टेशन बढ़ी ब्राह्मणी बैतरणी बुढ़ा बलंग सुवर्ण सबल नदी गुड़िकर जल परिचालना विषय
ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ ଫେରିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳି ହୀନସ୍ଥା ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଘର ପାଖରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 14ର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ OTM ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭାକ୍ସର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍, ବାରିପଦାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିଲ୍ ଭଳି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମିଲ୍ ରାଜ୍ୟର ବନ୍ଦ ହୋଇପଡିଛି। ବିଶେଷ କରି 7ଟି କୋଅପରେଟିଭ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, 6ଟି ଓ 11ଟି ପାଲୁମ ଗୁଡିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି 8ଟି ଯୋଉ ଚିନି କଳ ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇପଡିଛି, 5ଟି କାଗଜ କଳରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ଚାଲୁଛି। ଏସବୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି କାମ କରନ୍ତେ, ସୁରତର ଯୋଉ ସୂତା କଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି କାମ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ନିଜ ଘରେ ରହିପାରନ୍ତେ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଏହା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଦ ସରକାର ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି 170,000 ବଜେଟ୍ ଆଜି ଆଗତ କରାଯିବାର ଆକଳନ କରାହଉଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 13% ଅଧିକ। ଏବଂ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଋଣ ଭାର ସରକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ବର୍ଡନ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଠିକ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରାଇବେ, ସେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ସରକାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସୁଛି। ଦିବ୍ୟ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା କି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବଜେଟ୍ ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା କି ବିରୋଧୀଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।